हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सईद खान, आपके अपने चैनल एसके ट्रैवलिंग में। तो मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं अभी इस वक्त हम आए हैं मरी में। मरी में स्नोफॉल हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ठंड है। मरी की तरफ अभी जा रहे हैं, उस तरफ से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वापस आ रही हैं, उनके ऊपर से है ना बर्फ़ जमी हुई है अभी हमें। तो आज डेट है 27 दिसंबर और अभी टाइम हुआ जा रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं। हम अभी इस वक्त मरी पहुंच गए हैं। तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ थोड़ी देर में। अभी हम यहाँ पे स्नो फॉलिंग एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम जाते हैं माल रोड की तरफ, फिर मैं आपको माल रोड के नज़ारे दिखाता हूँ। अभी हम माल रोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी हमारी स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हम एहतियात के साथ जा रहे हैं अभी इस वक्त। और ये सारी जगह देखें बर्फ़ जमी हुई है। ये नीचे मेरे पैर भी अभी स्लिप हो रहे हैं। और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। जी तो इस नज़ारे के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है जी। ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। अभी बहुत मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, तो गाड़ियों वाले बहुत स्पीड अप होके जा रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत गलत है। बहुत सुकून से जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी गलती बहुत ज़्यादा आपकी जानलेवा हो सकती है। तो अभी यहाँ के नज़ारे हैं, यहाँ पे थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट की तस्वीरें लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो अभी इससे आगे गाड़ी नहीं जा रही हमारी, चढ़ नहीं पा रही है, ये देखें। अभी इससे आगे जो बर्फ़ है, चेन वगैरह हमने चेन अप नहीं की हुई, तो गाड़ी ऊपर नहीं जा रही। अभी ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। तो देखें फिर ये गाड़ियों का क्या हाल है। अभी अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। हम तो सबको कह रहे हैं कि इसी ऊपर ना लेके जाओ, लेकिन हर कोई जा रहा है, उतावला है हर कोई, जल्दी में है। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी -1 टेम्परेचर है और ये हाल है। मेरे हाथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो समझ नहीं आती कि ये -12 और -15 और -30 में रशिया में लोग कैसे रहते हैं। तो गाड़ियों ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस काम है। हमने वहाँ नीचे गाड़ी खड़ी कर दी है और पैदल थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं और शूज़ चूँकि मेरे गीले हो गए हैं, यहाँ पे वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे अभी स्नो फॉलिंग रुक गई है, थोड़ी सी हुई है,
मैं आपको ये पहाड़ी के ऊपर का दिखाता हूँ, ये देखेंगे। फॉलिंग रुक गई है और हमने थोड़ा ट्राई किया है, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तक हम चले गए हैं, लेकिन उससे आगे अब गाड़ी नहीं जा पा रही है, सिर्फ 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां जा पा रही हैं, जिनके पास चेन है वो जा सकती हैं। तो अभी देखें हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ ज़बरदस्त, और मौसम में नज़ारा है, पकौड़े वाले का आज ख़ास दिन है, उसकी आज की सेल उसकी आज। पीछे ले जाना, उधर से सीधी करके लाए, फिर कर दे। यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, ये चेन लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। Thank you.
ऊपर से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं जो टू व्हील ड्राइव हैं वो सारों ने चेन लगाया हुआ है, और जिन्होंने नहीं लगाया हुआ यहाँ लगा रहे हैं। यार अभी तक नहीं हुआ, बांधा नहीं गया। जो लोग हमारे साथ हैं जी, तो ये आप पिछली वीडियो में मिल चुके हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं इसहाक खान, और ये मेरे मामू हैं, ये भी साथ में हैं, ये मुनीर खान, और ये हैं हमारे, ये भी हमारे मामू ही होते हैं, आकम खान, प्रिंस आकम किंग के नाम से इनकी फेसबुक आईडी है। आप इनको जो है ना लाइक फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फिर दोबारा स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई, हम यहाँ पे चाय पीते हैं और पकौड़े खाते हैं।